कामाख्या मंदिर जो कि असम राज्य के राजधानी दिसपुर से 13 किलोमीटर दूर कामाख्या में मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप जाएंगे और क्या क्या चीजें हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि जब कभी भी आप कामाख्या का प्लान करते हैं तो यहाँ का सबसे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जिसका स्टेशन कोड की बात करें जब आप यहाँ पे जाएंगे कभी भी तो KYQ जब भी आप सर्च करेंगे, जो कि जॉन की नॉर्थन जोन में रेलवे जोन में पड़ता है और यहाँ जो है आपको 2-व्हीलर 4-व्हीलर दोनों पार्क करने का मिल जाता है। तो ये पूरा देख सकते हैं, ये जंक्शन है जो कि इस तरीके से आपको मिलेगा जब कभी भी आप जाते। तो यहाँ से टेंपल की बात करें, कामाख्या मंदिर जो है वो 5.6 किलोमीटर है, जो कि जैसे ही आप स्टेशन पहुँचिएगा, स्टेशन के बाहर में बहुत सारे ऑटो लगे हुए रहते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, जो कि वो ऑटो और वो गाड़ियों के सहारे आप यहाँ से कामाख्या मंदिर जा सकते हैं। तो शेयरिंग में आपको बहुत सारे गाड़ियाँ मिल जाएंगे जिसके जरिए आप यहाँ से कामाख्या मंदिर जा सकते हैं। कुल मिलाकर बहुत ही बड़ा स्पेस है, ये बहुत ही बड़ा स्पेस है और ये सामने का लोकेशन में आपको कामाख्या जंक्शन दिख रहा है जो कि इस तरीके से बना हुआ है। कामाख्या जंक्शन जो कि यहाँ पे आपको बता दे, जब कभी भी आप यहाँ पे जाते हैं, होटल अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे रूम भी ले सकते हैं, रिटायरिंग रूम जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 2 बेडेड का और 10 बेडेड का है। AC रिटायरिंग रूम जो है वहाँ पे आपको 2 बेडेड का मिल जाएंगे और एक जो है वो 10 बेडेड का डोमेट्री रूम है। इसके साथ साथ 10 बेडेड का AC डोमेट्री रूम भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जो कि वहाँ पे आपको वाईफाई फ्री मिलेंगे, TV मिलेंगे, लॉकर मिलेंगे। इसके साथ साथ में लॉकर जो है वो लेडी जेंट्स अलग अलग दोनों के लिए है। तो हाई स्पीड रेलवे वाईफाई आप इंक्लूड यहाँ पे ले सकते हैं और इसके साथ साथ में वेज नॉन वेज फूड कोर्ट मिल जाएगा, अपर क्लास लोअर क्लास वेटिंग रूम यहाँ पे 120 सीट की कैपेसिटी का बना हुआ है, जो कि वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। कैफेटेरिया बना हुआ है, तो ये एस्केलेटर लगा हुआ है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए। प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म 4 हैं और ट्रैक 12 बनाए गए हैं। कैब सिटी बस और यहाँ पे जो है ऑटो रिक्शा वो आपको स्टेशन के बाहर ही मौजूद मिल जाएगा, जिसके जरिए आप कामाख्या के कोई भी जगह पे आप जा सकते हैं। बहुत सारी ट्रेनें कामाख्या से चलती है और बहुत सारी ट्रेनें कामाख्या तक आती है। तो प्लान अगर आपका कामाख्या मंदिर का है तो सबसे पहले आपको कामाख्या जंक्शन में उतरना है, देन बाहर निकलना है। ये जो बाहर लोकेशन आपको दिख रहा है, बाहर निकलिएगा, यहीं पे आपको ऑटो जो वगैरह मिल जाएगा, जो कि ऑटो के जरिए आप यहाँ से मंदिर 5 किलोमीटर पड़ेगा। अगर आपको कामाख्या जंक्शन में ही रुकना है रूम लेके, तो डोमेट्री रूम आपको मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस में, जो कि IRCTC आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, वो बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। और ये बिल्डिंग है, देखिए यहीं पे रूम भी बना हुआ है ऊपर फ्लोर में, तो यहाँ पे आप रूम में आराम से रुक सकते हैं। होटल लेंगे तो आपको कामाख्या सिटी में होटल भी मिल जाएगा या फिर दिसपुर में भी ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको होटल का जो है 500, 600, 1000, 2000 जिस तरीके से आपका रेंज है उस तरीके से आपको होटल की भी व्यवस्था मिल जाती है। बाहर एक इंडिया का फ्लैग बहुत ही बड़ा लगाया गया, साथ साथ में ये पूरा है नज़ारा, जो कि हर एक प्लेटफॉर्म जो है उसमें आपको खाने पीने का फूड कोर्ट वगैरह मिल जाएगा। अभी जो है और भी प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, 12 ट्रैक हैं, तो आप समझ सकते हैं 4 ही प्लेटफॉर्म है, अभी और भी प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। बरौनी गुवाहाटी लाइन जो है मेन लाइन इधर से ही गुजरी हुई है, साथ साथ में यहाँ पे आपको कामाख्या जो है वो आप यहाँ पे उतर सकते हैं और देन यहाँ से घूम सकते हैं। तो ये जो है ग्रीन पार्क कॉलोनी में है, NF रेलवे हेड क्वार्टर में, तो गुवाहाटी जो कामाख्या का है और ये असम में पड़ता है, गुवाहाटी असम, जो कि इस तरीके से आपको मिलेगा। तो प्लान आप जब भी कर रहे हैं तो यहाँ पे आके और यहाँ पे घूम सकते हैं। कामाख्या मंदिर आपको बता दें जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और काफ़ी संख्या में लोग इसीलिए यहाँ पे कामाख्या का मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए जाते हैं। कामरूप जिले में आता है, जो कि गुवाहाटी शहर में स्थित है और यहीं पर आप घूम सकते हैं और देख सकते हैं नीचालचल पर्वत में मौजूद है। और ये देखिए, ये भी जो स्टेशन भी बनाया गया है वो कामाख्या मंदिर के डायग्राम में ही बनाया गया, तो मंदिर को ही यहाँ पे एक तरह से दिखाया गया है। और गाड़ियाँ हमेशा मिल जाती, चाहे आप रात को विजिट करते हैं या दिन में विजिट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। रात को भी यहाँ पे आपको लोग मिल जाएंगे, दिन में भी मिल जाएंगे, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। खाने पीने का रहने का हमने आपको बता दिया, स्टेशन आने के बाद आपको डोमेट्री रूम यहीं ले लेना है, नहीं तो फिर आपको होटल ले लेना, और इस तरीके से आप यहाँ पे रुक के और फिर कामाख्या मंदिर में दर्शन करके पूजा अर्चना करने के बाद फिर आप कहीं पे जा सकते हैं। तो ये पूरा जानकारी था, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय माँ कामाख्या। आप कभी भी प्लान कर रहे हैं कामाख्या का तो आप ज़रूर जाएं एक बार। 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और कहते हैं जो भी यहाँ पे जाते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो जब भी टाइम मिले तो यहाँ कामाख्या का टिकट बनाएं और यहाँ से फिर मंदिर प्रांगण जाएं, दर्शन करें, फिर यहाँ से आप ट्रेन लेके और फिर अन्य जगह आप जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। और ये कामाख्या जंक्शन है, जो कि मंदिर भी आपको इसी तरीके से मिलेगा देखने को जब आप मंदिर जाएंगे तो। और ये जंक्शन है, यहाँ पे बड़ा स्क्रीन भी लगाया गया, दिखाया जाता है कौन सी ट्रेनें कब आ रही हैं। और यहीं पे आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, इंक्वायरी मिल जाएगा, डोमेट्री रूम बुक करने का ऑफलाइन भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।